हेलो डियर, नमस्कार। अगेन वेलकम बैक टू आवर ओडिशा क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग वेल। आज क्लास रे आम प्लस टू द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र बा प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स रो यूनिट नंबर 5 जहाँ बजार अध्याय, से ही बजार अध्याय 10 सिलेक्टिव 2 मार्क्स रो प्रश्न उत्तर संपर्क में आज क्लास रे डिटेल्स बुझा। तेणु भिडियोटी संपूर्ण देखु एवं समस्त प्रश्नर उत्तर सहजरे जानतु एवं ताकु सहजरे मन रखु। प्रथम प्रश्न, बजार दर कहले कौन बुझे? बजार दर कौन? बजार दर एक कौन से एक समय बजार रे प्रचलित दाम को बजार दर कहुए। कौन से एक समय बजार रे प्रचलित दाम को बजार दर कहुए। यह स्वल्पकालीन दर, बजार दर को मुख्यतः स्वल्पकालीन दर मध्य कहुए। यह स्वल्पकाल स्थायी बा स्वल्पकाल प्रचलित। चाहिदा और जोगाण द्वारा दर निर्धारण हुए। मुख्यतः बजार दर चाहिदा और जोगाण द्वारा निर्धारण हुए। स्वल्पकाल प्रायतः जोगाण स्थिर थाए। आमर एक स्वल्पकाल जोगाण स्थिर थाए कारण जोगाण को आम स्वल्पकाल चाहिए बेसी परिवर्तन करना। तेणु जोगाण से आमर स्वल्पकाल मुख्यतः जोगाण स्थिर। तेणु द्रव्यर चाहिदा दर द्वारा प्रभावित हुए। तेणु मुख्यतः द्रव्यर चाहिदा क्या द्वारा प्रभावित हुए? दर द्वारा आमर प्रभावित हुए। तेणु कौन से एक निर्दिष्ट समय बजार प्रचलित दाम को बजार दर कहुए। बजार दर एक स्वल्पकालीन, यह मुख्यतः चाहिदा जोगाण द्वारा निर्धारण हुए एवं स्वल्पकाल मुख्यतः जोगाण स्थिर। तेणु मुख्यतः द्रव्यर चाहिदा दर द्वारा प्रभावित हुए। यह हूँ बजार दर। सेपरि परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी? स्वाभाविक दर कहले कौन बुझे? स्वाभाविक दर कौन? स्वाभाविक दर कहले मुख्यतः आमर दीर्घकालीन दर को मुख्यतः बा दीर्घकाल प्रचलित दर को स्वाभाविक दर कहुए। यह मुख्यतः आमर बा दीर्घकाल उपलब्ध होता दर को मुख्यतः स्वाभाविक दर कहुए। दीर्घकाल चाहिदा और जोगाण द्वारा उभय परिवर्तित हुए। दीर्घकाल उभय चाहिदा और जोगाण कौन हो परिवर्तित होती। तेणु उभय स्वाभाविक दर को प्रभावित करती। आम दीर्घकाल जोगाण परिवर्तन हो चाहिदा प्रभावित होती। तेणु उभय आम कौन हो दर को प्रभावित करती। तेणु स्वाभाविक दर को एक संतुलन दर मत कहुए। स्वाभाविक दर को कौन कहुए? संतुलन दर कहुए। स्वाभाविक दर हूँ दीर्घकालन बा दीर्घकाल उपलब्ध होता दर को स्वाभाविक दर कहुए। स्वाभाविक दर एक हूँ आमर दीर्घकालन दर एवं यही दीर्घकाल उभय चाहिदा और जोगाण आमर यही दर को प्रभावित कै। तेणु मुख्यतः आमर स्वाभाविक दर एक संतुलन दर मध्य कहुए। सेपरि अबाध प्रवेश प्रस्थान, तीन नंबर प्रश्न कौन अच्छी? अबाध प्रवेश प्रस्थान कहले मुख्यतः कौन बुझे? अबाध प्रवेश प्रस्थान, अबाध मान आमर कटकणा मुक्त बा कौन सी रेस्ट्रिक्शन नथिबो। गोटे आमर विक्रेता गोटे जगह को जाकि समस्त द्रव्य बिक्री कर पारिबो। जदि तार अधिक लाभ होते से बिक्री करदी क्षति होती से लस होठू आसीपर। सेपर गोटे विक्रेता सरी सेपर गोटे क्रेता क्रेता जो मैंने किणती जो मैंने किणती से गोटे चाहिए फ्री गोटे मार्केट को जापर फ्री आसपार। गोटे विक्रेता से फ्री बिक्री कर फ्री आसीपर। ओके, पूर्ण अबाध प्रवेश प्रस्थान कहले मुख्यतः आमर यह एक पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार अन्य गोटे वैशिष्ट्य एवं बा पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार द्रव्य उत्पादन और बिक्री करुथिबा प्रतिष्ठान गुड़िक बजार प्रवेश प्रस्थान उपर कौनसी प्रतिबंधक नथाय। पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार मुख्यतः गोटे द्रव्य को उत्पादन करने बिक्री करने प्रतिष्ठान बा विक्रेता मानक मध्य कौन प्रवेश प्रस्थान कौन प्रतिबंधक नथाय। आमर गोटे पूर्ण पचेतामूलक बजार कौन गोटे सर्त अच्छी जे आमर गोटे विक्रेता से द्रव्य को उत्पादन कर बिक्री करने से बजार चाहिए मुख्यतः से बजार को प्रवेश करस्थान कर प्रतबंधक नए। तेणु प्रतिजोगितामूलक सफलता आशा कर नूतन उत्पादन व प्रतिष्ठान मैंने उत्पादन प्रतिष्ठान मैंने शिल्प मध्य प्रवेश करपरतीपर अत्यधिक क्षति क्षति जो कौन उत्पादन प्रतिष्ठान बजार को विदाय नहीं पारती। तेणु अबाध प्रवेश प्रस्थान पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार अन्य गोटे वैशिष्ट्य पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार अन्य गोटे वैशिष्ट्य कौन? अबाध प्रवेश प्रस्थान। एठार गोटे विक्रेता व प्रतिष्ठानचारी प्रतिष्ठानकारी से बजार को प्रवेश कर प्रस्थान कर प्रतबंधक नए कौन अबाध प्रवेश प्रस्थान। सेपरि बजार कहले मुख्यतः कौन बुझे? बजार कहले मुख्यतः आमर
अर्थशास्त्र बजार कहले कौन द्रव्यर किणा बिका बुझाए। आमर अर्थशास्त्र जदि बजार कहले मुख्यतः कौन कौन एक द्रव्यर किणा बिका को मुख्यतः बजार कहुए। तेणु बजार नामकरण साधारण द्रव्यर नाम अनुसार करा जाए। गोटे द्रव्यर बजार बा तेणु बजारर नामकरण साधारण गोटे द्रव्यर नाम अनुसार होता है। जपरिक आंब बजार, सुना बजार, लुगा बजार, से द्रव्यर नाम बिक्री को आधार करी बा गोटे द्रव्यर ना अनुसार से बजार ना दि जाए। तेणु प्रत्येक द्रव्य स्थले गोटे गोटे बजार बोली कहुए। तेणु प्रत्येक द्रव्य स्थल कौन गोटे गोटे बजार कहुए। मुख्यतः बजार कहले मुख्यतः अर्थशास्त्र कौन द्रव्यर किणा बिका को बुझाए। किंतु गोटे बजार मुख्यतः तीनो वैशिष्ट्य अच्छे ताकि कौन क्रेता गोष्ठी, द्वितीय होची विक्रेता गोष्ठी, तृतीय होची क्रेता विक्रेता मध्य निविड़ संपर्क। मुख्यतः जदि यही तीनो वैशिष्ट थी ताल मुख्यतः बजार कहुए। एवं बजार कहले मुख्यतः एक कौन भौगोलिक अवस्था बुझे ना एक गोटे निर्दिष्ट द्रव्य को बुझे। जपरिक आंब बजार, सुना बजार, लुगा बजार। एवं बजार मुख्यतः तीनो वैशिष्ट थाए ता हूँ क्रेता गोष्ठी, विक्रेता गोष्ठी एवं सेना मध्य निविड़ संपर्क। ता मध्ये आमे किसी परवर्ती प्रश्न संपर्क आम परवर्ती प्रश्न आम सहजरे बुझा। तेणु बजार कहले मुख्यतः कौन कौन एक द्रव्यर किणा बिका को बुझाए। यह कौन बजार नामकरण साधारण द्रव्य को आधार कर सही बजार नाम दि जाए। ओके से परवर्ती प्रश्न विशुद्ध बजार कहले मुख्यतः कौन बुझे। विशुद्ध बजार कहवा जहाँ पूर्ण प्रतितणुक बजार कहवा ता जो बजार दर संपर्क संपूर्ण ज्ञान या विपुल संख्यक क्रेता विक्रेता थांती सेमानकर कोनोसी प्रतिबंधक नथाई समजातीय द्रव्य क्रय विक्रय करंती ताकु पूर्ण पतितणुक बजार बा विशुद्ध बजार कहा जाए। एथिपाई आमर कौन दुईटी आवश्यकता पड़ताए ता अछि बहुत संख्यक क्रेता विक्रेता एवं समजातीय द्रव्य। देख एठार कौन कहूँ विशुद्ध बजार कहले एक छत्र बजार अनुपस्थित को बुझाए। जो बजार एक छत्र बजार देखा जाए ना अनुपस्थित थाए एवं तेणु विशुद्ध बजार कहले जो बजार विक्रेता बा क्रेता व्यक्तिगत भाव दाम को प्रभावित करार क्षमता न थाए। तेणु एथिपाई दुईट अवस्थार आवश्यकता थाए ता हूँ बहुसंख्यक क्रेता और विक्रेता एवं समजातीय द्रव्यर बिक्री। तेणु मुख्यतः पूर्ण पतितमुख बजार ता विशुद्ध बजार कहवा ता जार तार उत्तर सहजरे भल भाव बुझे। जो बजार दर संपर्क संपूर्ण ज्ञान या उभय क्रेता विक्रेता थांती सेमानकर कौनसी प्रतिबंधक नथाय समजातीय द्रव्य क्रय विक्रय करंती ताकु विशुद्ध बजार बा पूर्ण पतितमुक बजार कहा जाए। एवं एथिपाई कौन दुईटी आमर आवश्यकता जहाँकि आमर विपुल बहुसंख्यक क्रेता विक्रेता एवं समजातीय द्रव्य ताकु विशुद्ध बजार बा पूर्ण पतितमुक बजार कहा जाए। जदि कौनसी डाउट थाए ता मध्ये कमेंट करिपारिब। ओके सेपरि एक छत्र बजार कहले मुख्यतः कौन एक छत्रवाद बजार कहवा जहाँ आमर एकाधिकार बजार बा मनोपोली मार्केट मध्य कहवा ता जो बजार रे जड़े मात्र विक्रेता एपरी एक द्रव्य बिक्री करती ताकू बा जो बजार रे जड़े मात्र विक्रेता थाए से एपरी एक द्रव्य बिक्री करती जे तार कौन से निकटतम विकल्प द्रव्य न थाए ताको मनोपोली मार्केट बा एक छत्र बजार कहा जाए। ओके जो बजार रे जड़े मात्र विक्रेता देखा जाती से जो द्रव्यटी बिक्री करती तार कौन निकटतम विकल्प बा निकटतम प्रतिस्थापन द्रव्य न थाए ताकू एक छत्रवाद बा एकाधिकार बजार कहा जाए। एवं विक्रेता को सर्वाधिक शक्ति प्रदान लगि रहे से दर को मध्य प्रभावित करती। विक्रेता एठार सर्वशक्तिमान से दर को बराबरी प्रभावित करती। ओके जो बजार जड़े मात्र विक्रेता से एपरी एक द्रव्य बिक्री करते जे तार कौन निकटतम विकल्प द्रव्य न थाए ताकि एक छत्रवाद बा मनोपोली बा एकाधिकार बजार कहा जाए। तापर समजातीय द्रव्य कहले मुख्यतः कौन बुझाए। समजातीय द्रव्य कहले मुख्यतः से द्रव्यटी तार आकार प्रकार रंग किसम दृष्टि सामान होता आवश्यक। गोटे मुख्यतः तार गोटे द्रव्यटी तार आकार क्वालिटी और क्वांटिटी दृष्टि भाव सामान होगा आवश्यक। एप्पल मीनस आम तार रंग सेम थी स्वाद सेम थी सेम आकार थी सेम क्वालिटी थी सेम क्वांटिटी थी से मन गोटे एप्पल गोटे 100 ग्राम थी अन्य गोटे एप्पल 100 ग्राम थी एवं तार आमर तार आकार जीवित आर गोटे आकार थी आकार सेम थी। ओके जपरी आमर लुगा मनकर गोटे उल आमर गोटे स्वेटर स्वेटर मध्य गोटे गोटे स्वेटर मध्य रंग जमी थ तार आकार सेम थ तार
रंग किसम सब प्रकार सामान होगा आवश्यक। द्रव्यर दर मैं सेम थी तेणु मुख्यतः समजात द्रव्य कहले मुख्यतः गोटे द्रव्यर आकार प्रकार रंग बराबर सामान होगा आवश्यक। सेपर शून्य परिवहन व्यय कहले मुख्यतः कौन बुझे शून्य परिवहन व्यय आमर पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार अन्य गोटे वैशिष्ट्य एवं शून्य पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार द्रव्यर कौन गोटे द्रव्यर गोटे स्थान को अन्य गोटे स्थान को सरबराह बा स्थानांतर करने कौन खर्च हुए ना बोली धरी निया जाए किंतु यह अवास्तव मन हुए। पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार आमर गोटे वैशिष्ट्य अच्छी जहाँ गोटे द्रव्य को गोटे स्थान अन्य गोटे स्थान को स्थानांतर करने कौन खर्च हुए ना बोल कि आमर वैशिष्ट्य रखा जाए कि कौन गोटे अवास्तव मन नुहे। शून्य परिवहन व्यय मुख्यतः आमर गोटे द्रव्य को अन्य गोटे द्रव्य गोटे द्रव्य को गोटे स्थान अन्य गोटे स्थान को स्थानांतर करने किसी खर्च हुए ना बोल कि आमर धरी निमर शून्य परिवहन व्यय कहुए। यह हूँ पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार गोटे वैशिष्ट्य एवं यह गोटे कौन अवास्तव मन हुए। ओके सेपरि परवर्त प्रश्न कौन अच्छी आमर एकाधिकार बजार जान लें बजार संज्ञा मत जान लें आम आहजे बुझा बजार अर्थ आए सहजे बुझा बजार संज्ञा कौन कौन अर्थशास्त्री जन एफ डीम भाषा परस्पर सहित निविड़ भाव संपृक्त या क्रेतक संख्यक क्रेता विक्रेता मध्य कौन से एक द्रव्यर विनिमय घटले ताकू बजार कहुए। मुख्यतः परस्पर सहित निविड़ भाव संपृक्त या क्रेतक संख्यक क्रेता और विक्रेता मध्य कौन से एक द्रव्यर विनिमय घटले ताकू बजार कहुए। बजार कहले मुख्यतः आमर कौन से क्रेता गोष्ठी थे विक्रेता गोष्ठी थे एवं से निविड़ संपर्क थे कौन से एक द्रव्यर विनिमय जदि आम से भर जब कौन द्रव्य क्रय विक्रय करती ताकू मुख्यतः बजार कहुए एवं बुझा पड़ना एवं सेपरि विशुद्ध बजार जहाँ आमर पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार कहवा ता देख आम देखिए दाम विभेदीकरण दाम विभेदीकरण कहले मुख्यतः आमर गोटे द्रव्य बा केतक क्षेत्र देखा जाए जे एकाधिकार प्रतिष्ठान बा एकाधिकार बजार रे गोटे प्रकार उत्पादित द्रव्य विभिन्न एकक गुड़िक विभिन्न दर धार्य करती अर्थात मुख्यतः पूर्ण प्रति आमर सॉरी आमर एकाधिकार बजार बा मोनोपोली मार्केट आम कौन हो गोटे द्रव्य सेम द्रव्य को कौन से विक्रेता आमर बा सेलर आमर सेम से विक्रेता आमर कौन हो गोटे द्रव्य को विभिन्न भिन्न भिन्न उपभोक्ता को भिन्न भिन्न दर में बिक्री करती ताकि कौन आमर दाम विभेदीकरण देख अर्थात भिन्न भिन्न उपभोक्ता भिन्न भिन्न दाम आदाय करती या एकाधिकार बजार दाम विभेदीकरण कहुए। ए प्रकार बजार को विभेदिकारी एकाधिकार बजार बोली कहुए। देख आम एकाधिकार बजार मुख्यतः बा मोनोपोली मार्केट गोटे द्रव्य को भिन्न भिन्न उपभोक्ता को भिन्न भिन्न दर में बिक्री कराए ताकि कौन दाम विभेदीकरण मनकर आमर आलु मनकर कौन ना चकलेट आलु ना मनकर आलु यही बजार मुख्यतः आम एकाधिकार बजार जड़े मात्र विक्रेता था तेणु आलु को मनकर एक्स व्यक्ति को जदि 10 टका जदि दिखती तेल वाई व्यक्ति को आमर 12 टका बिक्री करती जेड व्यक्ति को आमर जेड व्यक्ति को आमर 13 टका कि 14 टका बिक्री करती। सेम द्रव्य आलु मात्र आलु हूँ कौन आम समजात द्रव्य बा गोटे प्रकार द्रव्य को भिन्न भिन्न उपभोक्ता को भिन्न भिन्न दर में बिक्री करती ताकि कौन दाम विभेदीकरण। ओके सेपरी अल्पाधिकार बजार कहले मुख्यतः यही बजार में अल्प संख्यक विक्रेता थाए यही बजार मुख्यतः आम कौन देखा जाए आम यही अल्पाधिकार बजार में उभय एकाधिकार बजार एवं एकाधिकार मूलक बजार किसी लक्षण देखा जाए। अल्पाधिकार बजार मुख्यतः जो बजार में अल्प संख्यक विक्रेता थाए ताकू अल्पाधिकार बजार कहुए। यही अल्पाधिकार बजार मुख्यतः उभय एकाधिकार बा मोनोपोली मार्केट एवं एकाधिकारमूलक बजार बा मोनोपोलिस्टिक कंपिटिशन मार्केट रो किसी लक्षण यही बजार लक्षण देखा जाए। ओके एवं जहाँकि आम कौन अल्प संख्यक विक्रेता अबाध प्रवेश प्रस्थान विज्ञापन अनिश्चितता आ समस्त हूँ कौन अल्पाधिकार बजार किसी लक्षण तामें भल भाव जाच एवं जब अल्पाधिकार बजार किसी कमेंट तार वैशिष्ट्य तुम कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर पारिबो।
अल्पाधिकार बजारर वैशिष्ट्य गुड़िक तुम्हें कमेंट बक्स में कमेंट करके से आमर अन्य किसी प्रश्न अच्छी जहाँकि आमर दीर्घका कहले मुख्यतः कौन बुझाए दीर्घका कहले मुख्यतः केत वर्ष को बुझाए यही समय उत्पादनकारी मैंने जोगाण परिमाण चाहिदार परिमाण ठार अनुसार परिवर्तन करिपारंती दीर्घकाल कहले मुख्यतः आमको केते वर्ष को बुझाए पांच वर्ष दस वर्ष ये गोटे लंबा पीरियड को बुझाए तेणु मुख्यतः यही समय उत्पादनकारी बिक्रेता मैंने जोगाण परिमाण चाहिदा परिमाण अनुसार परिवर्तन करिपारंती आमर चाहिदा केते चाहिदा को आधार कर मुख्यतः यही उत्पादनकारी मैंने जोगाण करिपारंती तेणु दीर्घकाल मुख्यतः केते वर्ष को बुझाए जपरिक आम पांच वर्ष किंवा ताठारु ऊर्ध दीर्घकाल समस्त उपादान परिवर्ती दीर्घकाल संतुलन स्थिर अटे एवं यही संतुलन दर को स्वाभाविक दर बा स्वाभाविक दाम मध्ये कहुए मुख्यतः दीर्घकालीन दर को मुख्यतः संतुलन दाम मध्ये कहुए बा संतुलन दर मध्ये कहुए एवं सेपरि आमर परवर्ती प्रश्न स्वल्प काल कहले मुख्यतः कौन बुझाए स्वल्प काल कहले कौन बुझाए स्वल्प काल बजार काल को दीर्घ स्वल्प काल बजार काल ठारु दीर्घ आमर एक स्वल्प काल आमर बा एक गोटे अल्प समय बा एक निर्दिष्ट समय पर यह अटे स्वल्प काल मान कौन स्वल्प मान अल्प काल मान समय यह गोटे निर्दिष्ट समय रे प्रचलित बा निर्दिष्ट समय पर यह प्रेरित यह केते मास हो पारे स्वल्प काल कहले मुख्यतः केते मास किंबा एक वर्ष किंबा केते मास मध्ये सीमित यही समय जोगाणर किछि मात्रा परिवर्तन अणा जाय पारे एठारे मुख्यतः यह कौन जोगाणर किछि मात्रा परिवर्तन होई पारे यही काल में जोगाणर अपेक्षा चाहिदार दर निर्धारण अधिक भूमिका ग्रहण करे स्वल्प काल मुख्यतः आमर दर या आम कौन जोगाण अपेक्षा चाहिदार दर निर्धारण अधिक भूमिका ग्रहण करे कारण एठार चाहिदा अधिक जोगाण कम तेणु मुख्यतः द्रव्यर चाहिदा आम दर द्वारा निर्धारण हुए तेणु स्वल्प काल कहले मुख्यतः एक केत मास कि एक वर्ष किंवा ताठारु कम समय को बुझाए स्वल्प मान अल्प एवं काल मान समय अल्प समय को आमर स्वल्प काल बुझाए यही स्वल्प काल मुख्यतः जोगाण अल्प बा जोगाण स्थिर द्रव्यर दर चाहिदा द्वारा आमर बा द्रव्यर चाहिदा दर द्वारा निर्धारण हुए सेपरि बजार आमर बजार काल पड़ते सेपरि लास्ट हूँ इम्पोर्टेन्स पॉइंट हूँ आमर संतुलन दर संतुलन दर कहले मुख्यतः जो दर में बजार चाहिदा और बजार जोगाण सामान ताकु संतुलन दर कहुए संतुलन दर एक दर जो थे गोटे द्रव्यर बजार चाहिदा परिमाण जोगाण परिमाण सहित निश्चित भाव सामान रहे ताकु संतुलन दर कहुए जो दर में मुख्यतः बजार चाहिदा परिमाण और बजार जोगाण परिमाण सामान ताकु संतुलन दर कहुए एवं ये दुईटी शक्ति परस्पर सहित समतुल अवस्था था निर्धारित बजार दर को मुख्यतः संतुलन दर कहुए जो दर में आमर जो दर में उभय कौन एग्रीगेट डिमांड एवं इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई मुख्यतः जो दर में बजार चाहिदा और बजार जोगाण सामान ताकु संतुलन दर कहुए यह बजार आधार समस्त दुई मार्क प्रश्न एवं उत्तर जदि कौन डाउट थाए कमेंट करदी आम चैनल को नुआ जेन करते चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिंतु जहाँकिपरी क्लास को सर्वप्रथमें देखिपारे बी हैप्पी एंजॉय द लाइफ कीप लर्निंग थैंक यू।